हलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेने कुक्स फ्रेंड्स इनकी जांगरी एप्पडी पण्रदुन्नु पाक्कलाम दीपावली स्पेशल मिनी जांगरी ना सेंजु काट्टिरुक्केन कंडिप्पा नींगा ट्राई पण्णि पारुंगा एंद ओरु मिस्टेक्कुमे इल्लामा फर्स्ट टाइम ट्राई पण्रवंगलुक्के रोम्ब नल्ला इरुक्कुम ना सोल्लिरुक्केन इंद चिन्ना चिन्ना टिप्स वंदु फालो पण्णींगना फर्स्ट टाइम नींगा सेंजींगना कूड पर्फेक्टा वरुम इंद जांगरी कंडिप्पा दीपावली वरप्पोधु नींगा इंद जांगरी वंदु ट्राई पण्णुंगा अलवुगळुम सोल्रेन ना इनके उल्तेमारी नमक इरनूत ग्राम टम्लर और टम्लर उल्तेंोड अलव पाती इरनूर ग्राम उल्द इत व ना रे मूण टाइम ना कल्कें अंत उल्लो नर पलीद अंदर ना तेची कल्कल कंपा इत जांगी रेसीपी एलिए ट्रे पड़ेंगे दीपावली की उंग कया से सापो सेम टेस्टर इत उ रे मणि नेर ना ऊरा वचिक रे मणि नेर नम्बर पाटेट उल नम आटिकल उल् ना इनो स्टेल ना आटिक्रे उ तेल फर्स्ट नम्बर वड़कल ऐना आटो को सेकनों तनिया सुतम वड़कटे उल् मिक्सि जार्टको ना वो इप्ड अरेपे और नूत्र एम एल ते ना सेतरक तनी सेटे मिक्सि जार सूमा और पत् सेकंड मट नहीं ओड विटी ना ओर मंज वन इिक्स अरे मव अब नम्बर ग्रैंडर नम्बर सेतकल इतर पत् सेकंड अरे पद वो ऐसा नम्बर कुयिका आटी वर्ग ना इतमी रेले से विरपमीना नहीं डरेक्टा ग्रैंडर नहीं आटिकल मोतम नूत्र एम एल ना ते से अरेचर एक्स्ट्रा कुछ लेटा तुच मट ना अरेचर उल्द वो ना इटली आटे मारे ना साफ्टा पंज मे अब पदम पाकण पर ना काटे इत पद मांद अवलोदा इत नाम अलिकल इंगलिया ना ये काटे पांग्क नमुक इत पद नमुक उल्मा तैयार इत मी जांगरी से नम्बर वो फुट कलर सेकपो ऐसा दीपावली वर्ष तो टाइम तमें जिलेबीला सारी जांगरी सेवल फुट कलर और रे सी अल्वक आरेंज रेड फुट कलर ना सेतरें इन कल सेक लूस अवे और स्पून ना कल मूड सेटेट ना कल विटको ग्रैंडर फुट कलर से अरेपा कुछ भय ग्रैंडर कलर ओटिम अब ना इप्ली सेकड़े और टेबल स्पून फुला कॉर्नफ्लोर सेतको और टेबल स्पून मैदा सेतको इे अलो से जांगरी वो ना क्रिस्पिया साफ्टा औरवे उल्मा उ लूसा पोचना कॉर्नफ्लोर वो इन रे टेबल स्पून एक्स्ट्रा नहीं सेको इला कई वे और अंजु निम्स ना मारे बीट पड़ी ना इतव अड़ेकेंगे ना कलो इतमारी जांगरी ना पर्फेक्टा वो इंगरी पिग्रद ना और आयिल कवर एड़े अयिल कवर वो मेल सैडु कट पड़े इो उमा और नालंज करंटी और रे मूणु करंटी इतकूटकल उंगक अंगरी पिगर अंत क्लाना नहीं से आयिल कवर वो जांगरी से मेल इतना एड़ वे और रबर बैंड पटर ऐना मेल लीक आगाम उल्मा इपड़े वो नमुक तैयार और चिन्नता और गैप इतमी कट पड़ी एड़को अंत ओर मूल और जांगरी वो से पांग पदों अलवें करेक्टा अब सक का नम्बर उल्ते टम्लर ओं टम्लर अल्वक सको वीटल से जांगरी की इत करेक्टान अलव वेस्ट आगाम करेक्टा और वे धारा से रे टम्लर अंतमारीकूल ना कुछ ते टर और टम्लर सेतरक वे ते अब नमुक सीक्रम सक्रपा रेडी आंधा इत वो पा कमी पदम पाक ना कुरे वो इप्ली कई तटी पांग पाता पिशु पिशुपाने स्टव आफ पड़ो आफ पड़े और सिटी अल्वक ना फुट कलर आड पड़ी कल वजें इकूड और रे मूल का ना तटी सेको
இந்த பாகு வந்து சூடாவே இருக்கணும். இந்த மாதிரி பாகு காய்ச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஜாங்கிரி வந்து சுட்டு எடுத்துக்கலாம். ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா மிதமான அனல் வச்சு நம்ம சுடணும், ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு சுடக்கூடாது, ஆயில் ரொம்பவும் சூடாகி இருக்கக்கூடாது. மிதமான அனல் வந்தோடனே நம்ம ஜாங்கிரி இந்த மாதிரி சுத்த ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு ஃப்ளாட்டான பாத்திரம், இந்த மாதிரி நல்லா அகலமான பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம இந்த மாதிரி சுற்றி விடும்போது மினி ஜாங்கிரி நமக்கு சூப்பராக நமக்கு தயாராகி வந்துடும். சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. அதுவே கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக நல்லா உப்பி வரும். ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ரெண்டு கொஞ்சம் சொதப்போம், அதுக்கப்புறம் அந்த கைப்பக்கம் வந்துருச்சுன்னா செமையாக வந்துடும். இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதில் இருக்கிற பபுள்ஸ்லாம் நம்ம அடங்கினோடனே நம்ம ஜாங்கிரி ஜாங்கிரி வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு வேக வச்சாச்சு. சர்க்கரைப்பாகு நமக்கு சூடாக இருக்கணும். அதே மாதிரி ஜாங்கிரி சுட்ட உடனே அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம சூடான சர்க்கரைப்பாகில் நம்ம போட்டு எடுக்கணும். இப்போ ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி விட்டு மிதமான அனலில் நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் சர்க்கரைப்பாகில் போட்டுக்கலாம். சர்க்கரைப்பாகு லைட்டாக ஆறி இருந்தால் கூட அப்பப்போ சூடு பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஆயில் வந்து நல்லா சுத்தமாக நல்லா இந்த மாதிரி ட்ரையாக வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா இது போய் சர்க்கரைப்பாகில் போட்டுக்கலாம். இந்த சர்க்கரைப்பாகில் ஒரு ட்ராப் வந்து நீங்கள் ரோஸ் எசன்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம், நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும். இதை அடுத்த செட் நம்ம பொறிச்சு எடுக்கிற வரைக்கும் சர்க்கரைப்பாகலே ஊறட்டும். இப்போ அடுத்த செட் வந்து பொறிச்சு எடுத்துகிட்ருக்கோம். இதே அனல் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டே போடுங்க, ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது, ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. இப்போ அடுத்த செட் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இந்த ஜாங்கிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நம்ம சேர்த்துருக்குற அந்த கார்ன்ஃப்ளோர் வந்து ரொம்ப அதிகமாகலாம் சேர்க்க வேணாம், இதே அளவில் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பர்ஃபெக்டாக வரும். ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து மாவு கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துட்டுன்ற பட்சத்தில் கார்ன்ஃப்ளோரும் மைதாவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா இதே அளவுகளில் போடுங்க. இந்த சின்ன சின்ன டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி கண்டிப்பாக நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கூட ரொம்ப சூப்பராக ஜாங்கிரி செஞ்சு முடிச்சிடலாம், அவ்வளோதாங்க. அப்படியே நீங்கள் எடுத்து வச்சிடலாம். ஒவ்வொரு டைம் செய்யும்போது சர்க்கரைப்பாகு சூடு ஆறிடுச்சுன்னா லைட்டாக ஹீட் பண்ணி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. சுவையான தீபாவளி ஸ்வீட் மினி ஜாங்கிரி தயாராகிடுச்சு. இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.